हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका स्वागत है आपकी अपनी किचन इंडो वेस्ट किचन में। आपने सहजन के फूल देखे होंगे। हम इनको ऐसे ही समझकर छोड़ देते हैं कि इनका हमें क्या करना, इसीलिए मैं इन फूलों की रेसिपी लेकर आई हूँ, सहजन के फूलों की। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो अंत तक देखें। ये सहजन के फूल हैं और इनके जो खिले हुए हैं ये वाले यूज़ करने हैं, और जो इसमें ये कली सी होती हैं ये यूज़ नहीं करना है, क्योंकि इसमें अंदर कसैलापन होता है और इससे सब्जी कड़वी हो जाएगी। तो हम इसमें से चुन चुन कर, बिल्कुल जो खिले हुए फूल हैं इस तरह के, तो मैंने उनको रात को नमक के पानी में भिगो दिया है। अब इनको हम सुबह में खुले भगोने में, कुकर में नहीं, खुले भगोने में पानी डालकर, इस पानी को निकालकर दो तीन बार धोकर हम इसको 4 से 5 मिनट बॉयल करेंगे। उबालने के बाद इन फूलों को हाथ से प्रेस करके पानी निकाल कर रख लेना है। उसके लिए फिर हमें मसालों की ज़रूरत पड़ेगी। टमाटर, कटा टमाटर, थोड़े से आलू, प्याज, नमक, जीरा। ये हमारी कढ़ाई गर्म हो चुकी है, इसमें अब हम तेल डालेंगे। फ्रेंड्स, इसमें तेल डालने में बिल्कुल कंजूसी ना करें, ये तेल के साथ ही अच्छी लगती है। एक चम्मच जीरा अच्छे से फ्राई करेंगे। अब हम इसमें एक बड़ा प्याज बारीक कटा हुआ डालेंगे। इसको अच्छे से थोड़ा फ्राई करेंगे। टमाटर ऐड करेंगे। दो मिनट इसको भूनेंगे। फिर एक आलू मीडियम साइज का, मैंने इसको बराबर बराबर टुकड़ों में काट लिया है। अच्छे से मिक्स करेंगे और 5-7 मिनट तक इसको पकाएंगे, जब तक आलू गलेंगे। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। यह अब हमारे आलू अच्छे से फ्राई हो चुके हैं और टमाटर भी गल चुके हैं। अब हम इसमें से थोड़ा सा मसाला डालेंगे। आधा टीस्पून धनिया, 1 टीस्पून गरम मसाला, आधा टीस्पून हल्दी, आधा टीस्पून अमचूर, 2 हरी मिर्च, 2 हरी मिर्च। फिर हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसके बाद हम इसमें ये फूल ऐड कर देंगे। सबसे बाद में नमक। थोड़ी सी मिर्च। इसको अब हम करीब 2 से 3 मिनट पकाएंगे। ढककर दो मिनट हो चुके हैं, हमारी सब्जी बिल्कुल तैयार है सहजन के फूलों की। इसको हम फूल समझकर ऐसे ही छोड़ देते हैं, ये बहुत पौष्टिक है। अब हम इसको एक सर्विंग बाउल में डालेंगे। ये अब हमने इसे सर्विंग बाउल में निकाल लिया है। इसके ऊपर थोड़ा सा मक्खन डालेंगे और ये पुदीने से, धनिए से या करी पत्ता से इसको डेकोरेट कर देंगे। अब हमारी ये सब्जी तैयार है।